राम मंदिर में होने वाले आयोजन पर छाया संकट का बादल। 5 अगस्त को राम मंदिर में होने वाले आयोजन पर दाखिल हुई जनहित याचिका। कोविड 19 को देखते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर के आयोजन पर रोक लगाने की बात की गई है। अनलॉक 2 के दिशा निर्देशों और फैली हुई वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए इस याचिका को दाखिल किया गया है। आपको बता दें, फिलहाल अनलॉक 2 में 31 जुलाई तक स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे, सैलून जिम सिनेमा हॉल वगैरह भी बंद रहेंगे। जहां पर भीड़ लगने की महामारी फैल सकती है, उसे गृह मंत्रालय ने बंद रखने का आदेश दिया है। जबकि धार्मिक संस्थान तो खुलेंगे, लेकिन भीड़ न लगाने की शर्त पर, और खुद धार्मिक संस्थान इसका ख्याल रखेंगे। यहां तक कि धार्मिक अनुष्ठान पर पूर्ण रूप से पाबंदी रहेगी। आपको बता दें, याचिकाकर्ता साकेत गोखले अपने ट्वीट में लिखते हैं, राम मंदिर भूमि पूजन समारोह 5 अगस्त को आयोजित किया जाएगा, जिसमें 300 लोगों को आमंत्रित किया गया है। जबकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी की गई अनलॉक 2 की गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से कहा गया है, धार्मिक समारोह पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। जिसके चलते गोखले ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में RTI दायर की है, जिसमें उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से पूछा है कि भूमि पूजन से संबंधित किस प्रकार की छूट दी गई है, साथ ही इस समारोह को करने के लिए किस आधार पर छूट दी गई है। वैसे देखने वाली बात यह होगी कि अनलॉक 2 31 जुलाई तक समाप्त हो जाएगा और केंद्र सरकार अगली गाइडलाइन में क्या दिशा निर्देश देती है, ये देखने वाली बात होगी। जबकि दायर की गई याचिका की सुनवाई कब होगी, ये हाईकोर्ट पर निर्भर करता है। ABU न्यूज़ डेस्क।